अल्लाह वसल आला सैदना व मौलाना महमदिन मादनिलजूत वालकरम सलातातन व सलामन आलई का या सैद या रसूल व आला अली का विकबीबल्ल तमाम हमदना तारीफ़ तोसीफ़ अला जल्ला मजदुहुलकरीम की ज़ात बा बाबरक़ात के लिए जो खालिक कायनत भी है और मालिक शाशिहात भी अल्लाह जल्ला अला की सना के बाद रसूल रहमत शफी मुआज़म नबी महतशम हजूर ख़तमीमरतबत सल्ला वसलम के हजू नाज में अपनी अक़दतों इरादतों और महबतों का खराज पेश करने के बाद वाजिबातराम जवैल अहतशाम अली मरतबत मोहतम साम सामियात अलकुम वरहतल वर्क मौसम रहमत रबी अव्वल की बहारें जलवा सामा हैं और मैं और आपूर के तजकारसन की खुशबू लेने मौजूद हैं आका करीम अलही सलाम के जमाल जहां आरा की ताबानियां और जलवा सामानियां हमारे ज़ौक़ की तस्की कल्ब का करार रूह की ठंडक ईमान की ताजगी इश्को मोहब्बत की नहज़त का सबब और ज़रिया है आका करीम अलैहि सलाम के फ़जाइल अलैहि सलातो व तस्लीम के ख़साइल और आपके शमाइल बयान करना शुरू से ही अहले ईमान का तरीक़ा रहा है खसाइल हुजूर की सीरत के नवान को कहा जाता है फजाइल हुजूर की अजमत और रफ़त हुजूर के का कानवान है शमाइल हुजूर के अज़ाय नूर का तस्कराय जाम फिज़ा है हुजूर के हुस्न व जमाल की बातें हैं आका करीम सलाम के शमाइल पर साइल पर फ़जाइल परमा ने बहुत काम किया तसनीफ़ात छोड़ी मुहदसिन ने इस उनवान से बाप बांधे क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए हुजूर की सीरत हुजूर के किरदार के उनवानात कुतब में नक्श हैं हुजूर की फ़जलो जमत के हवाले हजूर के मौजात का बयान, बयानूर की रिफ़त की कहानियाँ और अका करीम को अल्लाह की तरफ़ से अता करदा मरातब जलीला का बयान ये भी महबूब मौजू रहा अहले इल्म का अहले मोहब्बत का लेकिन आसमाम के शमाइल, शमायलूर इस सूरत का बयान हुजूर के हलिया नूर की बातें ये भी तर्क नहीं हुई अमूमी तौर पे हम शख्सियात के किरदार के हवाले से उनकी आदात के हवाले से उनके ख़साइल के हवाले से उनकी तालीमात के हवाले से बढ़ते हैं उनके शमाइल के हवाले से इतनी ज़्यादा तफसीलात नहीं होती लेकिन कायनत में ज़ रसालत मब सल्ह स वो जाते सतूदा सिफ़ात है जिनके शमाइल को इस तफसील से बयान किया गया कि ये भी सहाबा ने बयान किया कि हुजूर के सरे अनवर और मुबारक दाढ़ी में सफ़ेद बाल कितने थे आपको किसी का इतना महफूज हुलिया नहीं मिलेगा। हुजूर अलैहि सलाम की जुल्फ़ों के खम कैसे थे हुजूर की रंगत से लेकर के हुजूर के आज़ाय बदनिया के तवाजुन, हुस्न और जमाल की कहानियाँ आप कुब अदीस में शमाइल की किताबों में बिखरी हुई नज़र आएंगी और क्यों ना हो जिसके हुस्न के कसीदे मेरे रब ने भी बयान किए हैं कभी हुजूर के चेहरा नूर का जिक्र करते हुए वोहा इजा सजा कभी हुजूर सलाम की मुबारक जुल्फों का तस्करा करते हुए हामीम कभी आका करीम सलाम के मुबारक हाथों का कभी दीगर आज़ाए बतनियाँ का जिक्र कुरान ने किया हुजूर के सीनाए अक़दस की कहानी कुरान ने बयान की हुजूर हजूर सलाम की माजाख आँखों का तस्करा क़ुरान ने किया तो फिर ये महबूब और मरगूब मौजू क्यों ना होता और आका करीम को अल्लाह ने वो जमाल दिया था वो हुसन अता किया था वो ख़ूबसूरती दी थी जो हुजूर का ही हिस्सा है वैसे अल्लाह का हर पैगंबर, हर नबी हर रसूल खूबसूरत हुआ कोई नबी ऐसा नहीं है जो ख़ूबसूरत ना हुआ हो ये अल्लाह का इंतबाब है आप तो दुकान पे सेलम भी रखें तो उसकी बाकी काबिलियत के साथ साथ उसकी शख्सियत को आप देखते हैं कि जो खुश शक्ल हो आने वाले को मुतार कर सके बावकार लगे तो जिसको उसने नबी बनाना था तो उसको उसने ही ये अज़मत और ये रिफत अता कर देनी थी तो अल्लाह का हर नबी हसीन हर नबी जमील लेकिन जो जमाल जो ख़ूबसूरती जो हसन जो शान शौकत अल्लाह ने मेरे और आपके आकॉमोलाजूर को हुआ कि वो हुजूर का ही मकसूम है वो हुजूर हज़ूराम का ही हिस्सा है सरेनवर से लेकर पाए नूर तक हुजूर का हर उज्व बदन ख़ूबसूरती का मुरक्का और जमाल का मायार है खूबसूरती क्या होती है हुसने मोहम्मद को देख लो कोई ऐब कोई नक्स हुजूर के पाकिजा वजूद में नहीं रखा गया खुलिक मुबराम मिनकुल्ले बिन हुजूर के सामने हजरत हसन बिन साबित ने यह पढ़ा और अक करीम ने उस पर खुशी का इजहार किया और अल्लाह की बादगाह में दुआ की अल्लाह हो कुद्स, जिबरील अमीन से अल्लाह इसकी मदद फरमा तो उन्होंने ये बात कही कि आपको हर ऐप आप से मुबर्र रखा गया है आपका पैकर नूर आपका वजूद मसरूद हसन जमाल का ऐसा मरक्का बनाया गया कि जिसमें कोई नक्श नहीं रखा गया सोवरी हुस्न भी अता किया गया मानवी हुस्न भी अता किया गया हुजूर के आजा का जो जाहरी हुस्न था वो भी अपनी मिसाल आप था और जो बातनी जमाल और बातनी हुस्न और बातनी कमाल अता किया गया था वो भी अपनी मिसाल आप है अगर हुजूर अलैहिस्सलाम के मुबारक हाथों को जमाल दिया गया है लेकिन जो तवानाई अता की गई जो ताकत अता की गई यदुल्ला के जो जलवे उन हाथों में रखे गए वो भी एक दिल आवेज़ कहानी है अगर आँखों की पुतलियाँ खूबसूरत हैं और आपकी मुबारक आँखों की चमक से कायनात उसको देख करके मबहूत हो जाती है मजाक के कजले उसमें रखे गए हैं लेकिन उसका मानवी हुसन भी देखिए कि हुजूर बैठे मदीने में हैं और जन्नत का मुशाह कर रहे हैं वो तवानाई भी अता की गई कि जिस तरह रोशनी में देखा जाता है हुजूर उसी तरह अंधेरे में देखते हैं फरमाया सहाबा सफ़े सीधी रखा करो मत समझो कि मैं सिर्फ़ आगे देखता हूँ मैं आगे भी देखता हूँ मैं पीछे भी देखता हूँ मैं तुम्हारे रुकू भी देखता हूँ और दिलों में पैदा होने वाले खुशबू भी देखता हूँ इकबाल बोले ए फरोगत सुबह आसारो दहूर चश्मे तू बी निंदाए माफी सुदूर लोगों की नज़रें तो सीने के ऊपर देखती हैं ए आमिना के दुर्र यतीन तेरी नज़र तो सीने के अंदर छुपे राज भी देखती है तो सोवरी हुसन भी और मानवी हुसन भी अल्लाह ने अपने महबूब को अता किया और अल्लाह जल्ला शाहहू ने वो जमाल दिया हुजूर को कि जो देखता वो देखता ही रह जाता ऐसी चमक ऐसी रानाई ऐसी खूबसूरती और ऐसा जमाल था देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी कितने लोग हैं जिन्होंने सिर्फ हुजूर के चेहरे को देखा और लबों पे कलेमा जारी हो गया मारूफ नाम हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रजी का है यहूदियों के बहुत बड़े हिब्र थे बहुत बड़े आलम थे हज़रत यूसफ यूसफ़ल की औलाद से ताल्लुक़ था और उस माशरत में एक विकार की मसनत पे बराजमा रहते लेकिन जूँ हजूर मक्के से हिजरत फरमा के मदीना तशरीफ़ लाए तो ये हजूर को देखने आए बाजल सदक़ा उठाकर देखिए कि एक मुनाजरा तरतीब दिया उन्होंने कि उनसे ये बात करूँगा ये सवाल करूँगा ये एतराज़ उठाऊँगा लेकिन जब हजूर की मजलस में पहुँचे और आका करीम के रुख जेबा को देखा तो सारे सवाल भूल गए रूमी बोले ए लिखाए तो जवाब भी हर सवाल हल शवद हर मुश्किलत बेकीलोकाल तेरी मुलाकात ही तो सारे सवालों का जवाब है तेरा एक बार देख लेना ही तो सारे मसले हल कर देता है तो सवालात का एक ढेर उठाए लाए थे एक गठड़ी बांध के लाए थे सर पे रख के लेकिन ही हुजूर को देखा तो वो जो गठड़ी बांध के लाए थे उसकी गिरहें ढीली होने लगी फिर सवाल तितलियों की तरह उड़ने लगे और हुजूर को देखा तो कोई सवाल ही बाकी ना रहा अब आका करीम ने फरमाया अब्दुल्ला इब्ने सलाम आओ किधर आए हो ये तो मुनाजरा करने आए थे सौदा लेने के लिए बाजार गए हम हाथ उसके बिके जिसके खरीदार गए लेकिन जब आका करीम ने पूछा कि आओ किधर आए हो तो इन्होंने कहा हुजूर मैं आपका गुलाम बनने आया तेरी तक के अदामा में मुरीद हो हुजूर के हाथ पे बैत इस्लाम कर ली अब जिन लोगों ने अब्दुल्ला इबन सलाम को तैयार करके भेजा था वो उम्मीद में थे कि थोड़ी देर के बाद हम सुनेंगे कि उन्होंने सख्त सवाल किए और मुसलमानों के नबी उनका जवाब नहीं दे पाए लेकिन जब उनके कानों तक ये खबर पहुंची कि अब्दुल्ला बिन सलाम ने तो कोई सवाल ही नहीं किया बल्कि वो महबूब की निगाहों का शिकार हो गए और उन्होंने देखते ही हुजूर पर तन मन सब कुछ निछावर कर दिया और लबों पे कलेमा जारी हो गया तो वो सब्र ना कर सके और अब्दुल्ला इब्ने सलाम के पास पहुँचे और जाके कहा कि तूने यहूदियत की ना ख़ाक कर दी तुमने कुछ सवाल किया होता उन्होंने जवाब दिया होता और फिर तुमने मान लिया होता तो हम समझ जाते कि एक आलम था इलमी प्यास बुझ गई मतमिन हो गया लेकिन ये अजीब कहानी है सुना है तुमने कोई सवाल भी नहीं उठाया उन्होंने जवाब भी नहीं दिया बस तुमने उनको देखा और देखते ही तुम्हारे लबों पे कलेमा जारी हो गया तो ये क्या कहानी हुई तो अब्दुल्ला इबन सलाम ने जो जवाब दिया वो आब ज़र के साथ लिखने के काबिल है उन्होंने कहा कि यह बात मेरी समझ में भी नहीं आई जब मैं उस आका व मौला की चौखट पर पहुंचा और मैं उनसे सवाल करने के लिए लफ्सों को अभी तरतीब ही नहीं दिया था कि मेरी नज़र उनके जमाल जहां आरा पे पड़ गई अब अब्दुल्ला बिन सलाम के लफ्ज सुनिए फरमाते हैं फलम्मा तबयन तो वजहू अरफ तो अन्ना वजहू वजह लैसब जब मैंने उनके जमाल जहां आरा को देखा चेहरा ए नूर को देखा रुख जेबा की जियारत की तो मैंने पहचान लिया ये चेहरा किसी झूठे का हो ही नहीं सकता है देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी अल्लाह ने सूरत ही ऐसी बनाई जमाल ही ऐसा दिया खूबसूरती ही ऐसी दी कि जो हुजूर को देखते वो देखते ही रह जाते तो कितने लोग थे कि जिन्होंने महज हुजूर को देखा फिर उसके बाद लब खुले तो कलेमा ही जारी हुआ वो खूबसूरती और वो जमाल अल्लाह ने अपने महबूब को अता किया आका करीम सलाम का एक एक उजव बदन खूबसूरती का मुरक्का था बल्कि खूबसूरती का मायार था। हुसन क्या होता है का मायार क्या होता है जमाल किसे कहते हैं खूबसूरती की तारीफ क्या है आज़ाए मोहम्मद वसल्लम का, का तोजुन देख लो तुम्हें पता चलेगा कि हुन किसे कहते हैं को अल्लाह ताला तला शाहू ने जो हुसन बख्शा जो जमाल दिया जो ख़ूबसूरती दी वो हुजूर के मुबारक क़दमों से उसका अंदाज़ कीजिए कि जिसके कदम इतने सोने हैं उसका चेहरा कितना सोना होगा हज़रत अब्दुल्ला बिन बुरैदा रदी अल्लाह हुजूर के मुबारक कदमों का जिक्र करते हुए वसफ़ जमाल महम्मद की कहानी छेड़ते हैं और फरमाते हैं काना रसूल सल्ला वसलमा आहसनल बाशार कदमन कहते हैं कि कायनत में जितने सोने कदम मेरे हुजूर के थे किसी के थे ही नहीं जो जमाल अल्लाह ने हुजूर के मुबारक कदमों को दिया था अल्लाह अकबर वो किसी और का मक़सूम नहीं था ख़ूबसूरत कदम और हज़रत अनस रजी अल्लाह तहो हज़रत अबू हर रजी अल्लाह तहो और हजूर के वसाफ़ हैं हज़रत हिंद बिन अबी हला रजियल्ल्ह त हो ये हजूर का हलिया बयान करते हैं हज़रत इमाम हसन बिन अली रजी अल्लाह तहों ने हज़रत हिंद बिन अबी हाला को एक दिन कहा कि मुझे अपने आका व मौला का हुलिया बताओ तो इन्होंने हुजूर का हुलिया बयान किया ये हुजूर के वसाफ़ हैं चूँकि इन्होंने अलैहि सलाम को बहुत करीब से देखा और आका करीम की जियारत से माला माल हुए वैसे हज़रत इमाम हसन ने भी तो हुजूर को देखा था और भी साहब ने हुजूर को देखा था यहाँ ये बात दिलचस्पी से खाली नहीं है कि सिहाबी सिहाबी ही तब बनता है जब वो हुजूर को बनजरे नजर ईमान देखे लेकिन सिहाबा एक दूसरे से पूछते थे कि बताओ हुजूर कैसे थे मियां तुमने नहीं देखा तो वो कहते थे देख कर भी नहीं देखा सिर्फ चंद लोग हैं जो हुजूर का हुलिया बयान करते हैं इसकी क्या वजह तो ओलामा ने लिखा कि हुजूर के चेहरे पे जलवों की ताबश ऐसी थी और हुजूर का जमाल ऐसा था और उसकी चमक ऐसी थी कि किसी में हिम्मत ही नहीं थी कि वो जी भर के देख सके तो बाद में एक दूसरे से पूछते थे बताओ तुमने देखा तो हुजूर कैसे थे अगर उन लोगों की तादाद मैं आपको बताऊं तो तीन दर्जन से ज्यादा नहीं होगी जो हुजूर अलैहिस्सलाम के वसाफ़ हैंजूर के हलिया नगार हैं जो आका करीम सलाम की सूरत का नक्शा बयान करते हैं देखा एक लाख चौबीस हज़ार असहाब ने है लेकिन जो वस्फ़ बयान करते हैं शमायल रसूल को बयान करते हैं उनकी तादाद तीन दर्जन से ज़्यादा नहीं है और ये भी वो लोग हैं जिन्होंने हजूर को बचपन में देखा जिन्होंने हजूर को सोए हुए देखा हजूर को बहुत करीब से देखा हजूर अलातम के पास इनका आना जाना बहुत ज़्यादा था इस तरह उन्होंने हजूर आलाम को देखा हज़रत हसान बिन सबित रजी अल्लाह तहु फरमाते हैं कि मैं जो हजूर का होलिया बयान करता हूँ तो उसका सबब यह है कि मेरे पास हजूर को देखने का एक तरीका आ गया था <स्याँगा> फलम्मा नज़र तो अला अनवारी फवदा तो कफ़ी अला ऐनी खौफ मिन जहाब बसरी कहा कि जब मैं हुजूर को देखता था तो अपनी आंखों पर उंगलियां रख के उंगलियों की ओट से देखता था कि हुजूर के जलवों की चमक से मेरी आंखों की बेनाई न जाती रही ये कौन कह रहे हैं हजरत हसान बिन साबित साबित्ला और आप जानते हैं हजरत हसान बिन साबित शायर है और शायर हुसन देखने में बड़ा दलेर होता है और यह हुसन भी अभी पोशीदा है सत्तर हजार बशरीत के परदे डाले गए हैं अगर ये हुसन बेनकाब होता तो कोई जलवों की ताबी ना ला सकता यही बेहतर है कि वो पर्दे में रूपोश रहे वो अगर पर्दा उठा दे तो किसे होश रहे किसकी हिम्मत थी अब छुपा हुआ मस्तूर हुन भी अगर देखते हैं तो आंखों पे उंगलियां रख के देखते हैं और बयान करने वालों की तादाद मैंने रसकी के तीन दर्जनों से जायद नहीं है तो ये वो लोग हैं जिन्होंने हुजूर को देखा अब इमाम हसन पूछ रहे हैं हजरत हिंद बिन अभी हाला रदी अल्लाह तहू को कि आपने हजूर को देखा तो मुझे बताइए मेरे नाना का जमाल कैसा था तो हज़रत हिंद बिन अबी हाला ने हजूर का हलिया बयान किया तो जब हुजूर के कदमों की कहानी उन्होंने बयान की तो हज़रत हिंद बिन अबी हाला ने कहा कान नबी हो कदम वलकफ़ैनूराम के मुबारक कदम और हुजूर की हथेलियाँ पुरगोश थे ये हुजूर अलैहिस्सलाम के मुबारक क़दमों का जमाल बयान करते हैं अल्लाह अकबर और हुजूर असलाम के क़दमों के बारे में इमाम तिरमजी जो शमाइल में हदीस लाए हैं उसमें उन्होंने ये भी बयान किया काना रसूल अल्ला मसीह अलकदाम हजूर आलम के मुबारक कदम मलायम थे खूबसूरत थे खुरदरे नहीं थे कोई फटन नहीं थी अमोमी तौर पर कदम फट जाते हैं और एड़ियाँ बहुत सारे लोगों की फट जाती हैं तो वो खूबसूरती बाकी नहीं रहती तो वो कहते हैं कि हुजूर मसीहुल कदमैन थे और जब आका करीमलाम के मुबारक कदमों पे पानी डाला जाता तो वो ढल के नीचे चला जाता यह हुजूर के कदमों का हुस्न और हुजूर के कदमों का जमाल अच्छा आका करीम की जो मुबारक एड़ियाँ थी वो ज़्यादा परगोश नहीं थी उनके ऊपर गोश्त ज्यादा नहीं चढ़ा था इसलिए कि एड़ियों का ज्यादा पुरगोश्त होना एड़ियों के हुन को जायल कर देता है हुस्न का मुरक्का ही जमाल मुस्तफ़ा है तो इसलिए अल्लाह ने एक एक उजफ को तराश करके बनाया है बल्कि पूछ पूछ के बनाया है जिस तरह हसान बिन साबित कहते हैं का अनना का कद खुलिक मशाओ महबूब मुझे तो यूं लगता है जिसका आपके रब ने आपको आपसे पूछ के बनाया है कि महबूब बताओ कि मैं आपके आज़ा को कैसे तोज़न और कैसे हुसन और कैसे जमाल दूँ तो हजूर की मुबारक एड़ियाँ ये पुरगोश नहीं थी बाकी हजूर के पाँव पुरगोश थे और कोई फटन नहीं थी बिल्कुल नरम गदास और बिल्कुल जो है वो मलायम थे और जब पानी डाला जाता तो पानी ढल के नीचे एक सेकेंड में आ जाता ये अल्लाह ने महबूब को हुसन दिया हज़रत हिंद बिन अभी हाला ने कहा कि हुजूर के मुबारक तलवे जो थे वो दरमियान से उठे हुए थे एड़ियों से ले के उंगलियों तक ये तलवा कहलाता है जो उसका निचला हिस्सा जो ज़मीन से मस्त करता है और उसमें जो दरमियान वाला हिस्सा है ये उठा हुआ हो और बिल्कुल पाँव सीधा ना हो तो ये पाँव का हुसन है पाओ का बिल्कुल सीधा हो जाना ये पाओ के हुसन को जायल कर देता है उसमें थोड़ा सा खम हो जब चले तो उंगलियां और पंजे का जो है वो आगे वाला हिस्सा जमीन पे लगे और एड़ी लगे और दरमियान वाला हिस्सा जमीन पे ना लगे तो ये हुसन होता है किसी के पाओ के तलवे का अल्लाह ने महबूब के मुबारक कदम की पुश्त को भी हुसन दिया हुजूर के तलवों को भी हुसन दिया हुजूर की एड़ियों को भी हुसन दिया साइल अतराफ हुजूर की मुबारक उंगलियां कदरे लंबी थी और यह हुस्न होता है उंगलियां छोटी हो उनका कद पस्त हो तो पाऊँ की खूबसूरती दिखाई नहीं देती लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब की उंगलियों को भी एक लंबाई अता करके उसको भी ऐसा जमाल दिया था यार जो पाओ को देखता रहे वो पाँव को ही देखता रह जाए अल्लाह अकबर अच्छा बाज अहादीस में आता है हुजूर अलैहिस्सलाम के, के मुबारक तलवे जो है अखमस ये लफ्ज हैं कि वो अखमस नहीं थे यानी वो दरमियान से उठे हुए नहीं थे तो इसका क्या मतलब है ये हज़रत से जो उसमें यह है लैसा अखमस और हजरत हिंद में नबी से जो हजूर के मुबारक तलबों का हुसन बयान किया गया है तो उसमें यह बयान किया गया है कि हजूर अलाम मुबारक कदमों का तलबों का हुसन ये था कि वो दरमियान से थोड़े से उठे हुए थे और ये खूबसूरत पाओं का जमाल होता है तो इन दो चीजों में उल्ला ने तबी की है अल्ला उन की कबरों पर रहमत नाजल करे जो हुजूर के हुसन पे हुजूर के जमाल पे गुफ्तु करते रहे और एक एक उजब पर उन्होंने कई कई सफहात लिखे और किताबें उन्होंने तहरीर की हजूर के जमाल पर अब हजरत हिंदी रजियाल्ला न्होंने तो हजूर को घर में देखा था ये हज़रत हजरतुल्कुबरा रजी अल्लाह तहा के फरजन थे अबू हाला से अब इन्होंने तो देखा अब हुजूर लेटे हैं तो इन्होंने हुजूर के पाओं को देखा कि दरमियान में हल्का सा खम है और ये पाओं का जमाल है अब हजरत अबू हर रजील्लाहों ने जो हजूर के पाओं को देखा तो ये अंदरूने खाना का देखना नहीं था तो इन्होंने कैसे देखा तो हजरत अबू हरारा से मरवी एक रिवायत से समझ आती है कि उन्होंने जो कहा कि लैस अखमस कि उनके मुबारक तलवे दरमियान से उठे हुए नहीं थे बल्कि बिल्कुल बराबर थे तो इसका क्या मतलब है तो हजरत अबू हरारा से एक रिवायत मरवी है वो फरमाते हैं कि जब हजूर आसम किसी चटान के ऊपर चलते तो हजूर अल्लाम का वहां कदम पड़ता तो वो उस चटान के अंदर हजूर का कदम घुस जाता वो मोम की तरह चटान नरम हो जाती इस तरह ज़मीन पर भी हुजूर चलते तो मुबारक पाओ का जो नशान क़दम है वो पूरा दिखाई देता तो हजरत अबू हर रजील्ला समझे कि हजूर के तलवे जो हैं वो बराबर हैं तो माँ ने इस पर गुफ्तगू की है एक तो हजूर जब चलते थे तो आका करीम पूरे ज़ोर से कदम ज़मीन पर रखते थे और इस विकार से चलते थे कि जिस तरह हजूर ऊंचाई से नीचे की तरफ उतर रहे हों तो जब पाँव को जमा करके ज़ोर से रखा जाए तो फिर जो है वो निशान नीचे पड़ता है या अल्लाह अपने महबूब के लिए ज़मीन को और पत्थरों को भी नरम कर दिया तो फिर हुजूर के तलवों का नक्श भी ज़मीन के ऊपर जो है वो हवैदा हो जाता सुल्तान कातिबाई ने एक ऐसा ही पत्थर जिसके बारे में शनीत थी कि उस पर हुजूर के कदमों का नक्श मौजूद है तो उन्होंने बीस हज़ार दीनार के अंदर वो ख़रीदा और उन्होंने ये कहा कि जब मैं फोत हो जाऊं तो हज़ूर के कदमों के निशान वाला पत्थर मेरी कब्र के सराहाने बतौर कतबा लगाया जाए अलामा शहाबुद्दीन ख़िफाजी अलरमा लिखते हैं हो वाह मौजूदन अल आन वो अपने दौर में कहानी बयान करते हैं कहते हैं है वो आज भी सुल्तान कातिबाई की कबर के सराहाने वो पत्थर नस्ब है जहाँ हजूर के कदमों के निशान मौजूद हैं अल्लाह उकबर तो आका करीम्सम के मुबारक तलवे, हुजूर अलैहिस्सलाम की कम गोश्त तराशी हुई एड़ियाँ और मसीहल अलकाद हुजूर अलैहिस्सलाम के मलायम नरम गदास पाँव उनका हुस्न और उनका जमाल और आका करीम के कदमों की उंगलियाँ जो कदरे लंबी थीं और उनमें जो दरमियान वाली उंगली थी वो ज़्यादा लंबी थी उस पर हजरत ममूना बिनते करदम रज़ी तहा उस उंगली का हुसन बयान करती हैं कहती हैं मुझे शौक हुआ कि मैं हुजूर को देखूँ तो अपने वालदे गिरामी के साथ हजतल के मौके पर मैं भी सदत हज पा रही थी तो हजूर को मिलने के लिए जब हम पहुँचे तो आका करीम ऊँटने के ऊपर सवार थे नाका पर जलवा फिराज थे तो मेरे में हिम्मत ना हो सकी कि हुजूर के चेहरे को देख सकूँ ऐसा जलवा ऐसा जमाल अल्लाह अकबर और ऐसा रोब और ऐसी चमक चेहरे की और ताबिशें थी कि मेरे अंदर हिम्मत ना हो सकी कि मैं हुजूर के चेहरा नूर को देख सकूं। अब आका करीम ऊँटनी पे सवार थे तो मैं हुजूर के मुबारक पाँव को देखने लगी मैं बस हुजूर के पाँव का जमाल और ख़ूबसूरती देखने लगी उसी में खो गई अब हजरत मैमूा बिनते कर्दम रजी अल्लाह तहाजूर के मुबारक कदमों की एक उंगली का हुसन बयान करती हैं अल्लाह अकबर हजरत ममूना बिनते कर्दम से यही एक रिवायत मरवी है सारी जिंदगी उनके पास सरमाया यही था जब किसी मजलिस में जाती तो वो कहती तुम्हें बताऊं हुजूर की मुबारक उंगली का हुसन क्या था ये सरमाया साथ लिए फिरती कि मैंने हुजूर की उंगली को देखा है मैंने हुजूर के कदम और हजूर सलाम के तलवों की ज्यारत की है तो वो उस हुसन को बयान करते हुए कहा करती थी फमा नसी तो फी मा नसी तो तूला इस बा मेंबा अला सायर असाब ही जो सब्बाबा उंगली है अंगूठे के साथ वाली उंगली को सबाबा उंगली कहते हैं और उसके साथ वाली उंगली का जो कद दराज था और बाकी उंगलियों की नस्बत वो उंगली लंबी थी कहा उसका हुसन आज भी मेरी निगाहों में घूमता रहता है और हर वक्त मेरे तस्वर में रहता है मेरे तस्वर से कभी उस उंगली का जमाल ही खत्म नहीं हुआ उंगली का हुसन ही कभी जायल नहीं हुआ हर वक्त उसके तसवर में खोई रहती हूं यार चेहरे के जमाल को कौन बयान करेगा यहां तो उंगली का हुसन बयान नहीं हो रहा अभी वो शेर पढ़ा जा रहा था ना कि कदमों पर जबी को रहने दो कदमों पे जबी को रहने दो चेहरे का तसुर मुश्किल है कदमों पे जबी को रहने दो चेहरे का तस्वुर मुश्किल है जब चांद से भरकर एड़ी है रुखसार का आलम क्या होगा जब चांद से भरकर एड़ी है रुखसार का आलम क्या होगा तो अल्लाह ने अपने महबूब आ सलाम को वो जमाल वो खूबसूरती और हुजूर के मुबारक कदम हज़रत अब्दुल्ला बिन बुरैदर त मलवी रिवायत कान रसूल सला वह आहसन बाशारदमन कहते हैं जितने सोने कदम जितने मन मोणे कदम मेरे हजूर के थे उतने सोने कदम किसी और के थे ही नहीं अल्लाह ने अपने महबूब को वो जमाल वो खूबसूरती और वो नूर अता किया था अच्छा ये कदम ये एड़ियाँ ये मुबारक तलवे और ये दाराज उंगलियां और इन उंगलियों की चमक और इनकी रंगत का जमाल और खूबसूरती जहां इसका सोवरी हुसन था तो मानवी हुसन भी देखने वाला था ये कदम उठ जाए अल्लाह अकबर तो तकदीर के फैसले होते दिखाई देते हैं इन कदम की ऊंचाई इन कदम की बुलंदियां के अर्शे हक इन कदमों के बोसे ले रहा है और मेरे इमाम बोले जहे इज़्ज़त ए तलाए महम्मद जहे इज़्ज़त ए तलाए महम्मद के है अरश हक जेर पाए मोहम्मद कदमों का हुसन वो भी देखने वाला और कदमों की बुलंदी और ऊँचाई और उसकी शान व शौकत वो भी देखने वाली अल्लाह अकबर आका करीम हज़रत अबू बकर सिद्दीक के साथ हजरत उम्र फारूक के साथ और हजरत स्स्मान गनी के साथ पहाड़ पर तशरीफ ले गए ये हदीस आपने बारह से सुनी है ओहद की छाती पे जब हुजूर के कदम आए अल्लाह अकबर तो वो खुशी से झूम उठा मुकद्दर जाग गए बख्त बेदार हो गए उनके कदम जो कि उस शाख की आंखों की ठंडक है जब छाती पे आ जाएं, तो कौन आशिक नहीं झूम जाएगा ये तो हजूर के कदमों के हुसन को बयान किया जा रहा है आपकी रूह रक्स कर रही है और आपका दिल जो है वो एक अजीब सरूर और कैफ की वादी में और एक जो है वो खुशियों के जो है वो आलम में निहाल होता चला जा रहा है लेकिन ये कदम जब छाती पे आया तो फिर ओहद ज़ाहर तो पत्थर है ओहद लेकिन हुजूर से पत्थर भी प्यार करते हैं फरमाए ओहादिबोनाब ओहद हमसे प्यार करता है पहाड़ है पत्थर है लेकिन हमसे प्यार करता है हम उससे प्यार करते हैं इस कायनत में सिर्फ सरकश इंसानों और जिनों के अलावा कायनात की हर शे हुजूर से प्यार करती है हजूर से मोहब्बत करती है आओ मैं तुम्हें प्यार की ओको और कहानी सुनाऊ मस्जिद नबवी है आका करीम तशरीफ फरमा है मिंबर पे जलवा फिराज हुए अभी वास का आगाज ही करना चाह रहे थे कि एक जानब से रोने की आवाज़ आने लगी सिहाबा कहते हैं रोने वाला इस दर्द से रोता है कि लगता था कलेजा फट जाएगा कना नाकिल खलूच जिस तरह ऊँटनी का बच्चा बिछड़ जाए और वो उसके गम में उसकी जुदाई में दर्द से रोकती है चीखती है चिल्लाती है रोने वाले का अंदाज़े दर्द ऐसा ही था और लगता था कि जिस तरह उसका कलेजा फट जाएगा सिहाबा दाएं बाएं देखते हैं लेकिन रोने वाला दिखाई भी नहीं देता और माहौल के अंदर इस तरह दर्द फैल रहा है कि सीनों में दिल लरस रहे हैं और अजीब कैफियत तारी हो गई हुजूर अभी बैठे हैं खुतबे का आगाज भी नहीं हुआ और रोने वाला कैफो दर्द में रोता चला जा रहा है फनाज नबी सिलंबर हुजूर मिंबर से नीचे तशरीफ लाए सहाबा की आंखें माहवे हैरत हैं इस तेजाब का आलम है ये कौन रो रहा है और इतने दर्द से रो रहा है और दिखाई भी नहीं दे रहा आका करीम मिम्बर से नीचे जलवा फेरास हुए एक समत बड़े खजूर का खुश्क तना पड़ा था आज पहला दिन था कि हुजूर हजूर असलम के लिए बिछाया गया वरना ये खुश्क तना दीवार के साथ जो है वो रखा गया था और हुजूर इसके साथ टेक लगा करके वास किया करते थे जब मिंबर बन गया तो इसको उठा करके अब इसकी ज़रूरत नहीं रही एक कोने में डाल दिया गया अब जूही हुजूर मम्बर पे तशरीफ फरमा हुए तो उस खुश्क तने का कलेजा लफ्ज उठा और वो ऐसे रोता था जिस तरह ऊँटनी का बच्चा बिछड़ जाए और वो रोती है इस तरह वो खुश्क तना रो रहा था उस तने नाना दर हिजरे रसूल जार मी नाल जो अरब अकूल जिस तरह अक़ल वाले जिस तरह जो है वो फहमो इदराक रखने वाले लोग रोते हैं दर्द से वो रो रहा था आका करीम इस्लाम उसके पास गए और उसको अपनी आगोश में समेट लिया बिछड़ा हुआ बच्चा जब अपनी माँ को मिले तो उसकी हिचकियाँ बन जाती हैं उसकी घिघी बन जाती है तो यही कैफियत उसकी हो गई और अक करीम अपना दस्ते रहमत उसके ऊपर फेरते चले जाते हैं बतदरीज उसकी सिसकियाँ उसके रोने की आवाज़ कम होती चली जा रही है आहिस्ता आहिस्ता वो खामोश हो गया फजूल फिर दोबारा तशरीफ़ लाए और मिंबर पर खुतबा देने से कबल सहाबा की आंखों में इस तेजाब का आलम देखा हैरत की फरावानी देखी फरमाया कि तुम जो सवाल करना चाह रहे हो जो तुम्हारी आंखों में पोशीदा सवाल है मैं उसको अच्छी तरह जानता हूं लो लम अफ अल हा का यौमिल अगर मैं मिंबर से उतर के अपने आश के जार को यूं तसली ना देता यह कयामत तक यूं ही रोता ही रहता हजरत मोहम्मद बिन सरीन रजी अल्लाह तहा करते थे कि हजूर की मोहब्बत में एक खुश्क तना भी जारो जार रोए तो जिसके सीने के अंदर मोहब्बत बड़ा दिल है तो वो हुजूर के इश्क में आंसू क्यों नहीं बहाएगा हुजूर की याद में उसकी आंखें आंसू का खिराज क्यों नहीं देंगी तो वो वह तना हुजूर की मोहब्बत में रो रहा है अब है ये पत्थर लेकिन मेरे हुजूर फरमाते हैं कि ये पहाड़ मुझसे प्यार करता है और मैं इससे प्यार करता हूं अब हुजूर अपने उस मुहब के घर तशरीफ़ ले गए और उसकी छाती पर कदम रखा तो वो खुशी से झूम उठा फरदाराबा बेजले ही अपना मुबारक पाँव जोर से मारा फकाल उस बुत उहद फिननामा अली का नबी उन व सिद्दीक व शहीदान उहद ठहर जा तेरे ऊपर अल्लाह का एक नबी है एक सिद्दीक और दो शहीद हैं। तो हुजूर की मुबारक एड़ी के लगने की देर थी हुजूर के कदम की जरब की देर थी कि उसका जलजला थम गया मेरे इमाम बोले एक ठोकर से ओहद का जलजला जाता रहा एक ठोकर से ओहद का जलजला जाता रहा रखती हैं कितना वक़ात अल्लाह अकबर एड़ियाँ जलजला आ गया उसके ऊपर वो झूमने लगा लेकिन हुजूर ने अपना मुबारक कदम मारा और वो ठहर गया अल्लाह अकबर तो ये पहाड़ आज भी उस शाख जब शहर मदीना में हाजिर होते हैं तो वो ओहद पे तो जरूर जाते हैं हज़रत अमीर हमज़ा के मज़ार पर हाज़री देने के लिए और उस जबल उहद को देखने के लिए और यकीन जानिएगा जबल उहद को जब हम देखते हैं तो अजीब कैफ़ियात में डूब जाते हैं मैं तो वहाँ दोस्तों को कहा करता हूँ कि आज पूरा मदीना बदल गया है यानी उसकी वो सूरत वो कच्चे मकान वो घरोंदे वो घर वो कूचा व बाजार वो कच्ची सड़कें वो माहौल आज वो आपको नजर नहीं आ रहा जहां कच्चे मकान थे जिनके ऊपर छत खजूर के पत्तों की पड़ी थी वहां आली नसब प्लाजे आपको नजर आते हैं फलक बोस आपको होटल नजर आते हैं वो कच्ची सड़कें आज आपको वहां दिखाई नहीं देती वहां तारकूल की बिछी हुई सड़कें दिखाई देती हैं खूबसूरत पत्थर लगे हुए आपको नजर आते हैं वो मम्याती हुई बकरियाँ वो जगाली करते हुए ऊंट आज आपको वहां दिखाई नहीं देते वो माहौल आपको नजर नहीं आता तो पुराना मदीना अगर ढूंढने निकले भी तो ज़ाहिर है अगरचे इन पुख्ता और खूबसूरत अमारतों के अंदर भी अक्स जमाल मोहम्मद का पड़ रहा है लेकिन वो पुराना दौर अगर आप तलाश करना चाहें तो वो आपको वो चीजें नहीं मिलती लेकिन जब आप उहद पर जाते हैं तो मैं दोस्तों को कहता हूं इस ओहद को जी भर के देख लो इस पे डायरेक्ट मेरे हुजूर की नजरें पड़ी हुई है ये बदला नहीं ये चौदह सदियों से जैसा था आज भी ऐसा है इस पे मेरे हुजूर की नजरें डायरेक्ट पड़ी हुई हैं और आका करीम आकाकरी ने इसको यूं देखा है तो ये ओहद हुजूर से मोहब्बत करने वाला है हुजूर से प्यार करने वाला है और इस प्यार की वजह से यह पत्थर कयामत के दिन जन्नत में जाएगा ये पहाड़ जन्नत में जाएगा यार अगर एक पहाड़ हुजूर से प्यार कर ले तो वो मकीन जन्नत बन जाता है और अगर हुजूर का ग़ुलाम एक आशिक हुजूर से मोहब्बत करे तो अल्लाह उसको कितने दर्ज़ ताफ़ फ़रमाएगा तो आका क़रीम ने ज़ोर से कदम मारा और फरमाया व ठहर जा तेरे ऊपर अल्लाह का एक नबी है एक सिद्दीक है और दो शहीद हैं अल्लाह अकबर तो ये हुजूर आलातम के मुबारक कदम की शान है ये हजूर के एक मुबारक कदम का जमाल है और उसकी खूबसूरती है गजवा ज़ात ऱा के अंदर हज़रत जाबिर का ऊंट चलते चलते थक गया सफ़र लंबा था और ऊँट कमज़ोर था तो चलते चलते उसको थकन हो गई अब वो काफ़िले से पीछे रहता चला जाता है तो उसने हुजूर की खिदमत में अर्ज़ किया रसोल्ला ये ऊँट थक गया है और मैं काफ़िले के साथ चल नहीं पा रहा तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक क़दम से उस ऊँट को ठोकर लगाई हता काना हता यम को जमामा हो मा हुरत कहते हैं उसकी लगाम संभाली नहीं जाती थी इतना तेज चलता था यार जिसके कदमों की ठोकर से ये तवानाई आ जाए उसके हाथों की तवानाई का आलम क्या होगा तो अल्लाह ने सिर्फ हुजूर के मुबारक कदमों को सोवरी हुसन ही नहीं दिया था मानवी जमाल और तोानाई भी अता फरमाई थी हजूर असलाम के चच्चा जनाब अबू तालिब कहते हैं कि मैं हुजूर मैंज़ूराम के साथ था तो रास्ते में ल मजार की मंडी आई और वहाँ हालात ऐसे थे कि पीने के लिए पानी दस्तियाब नहीं था तो मैंने कहा कि तश तो वलैसा इंदी माँ मुझे तो सख्त प्यास लगी है और पानी भी पास नहीं है फनाजल नबी सल्हल् वारा बे बेकदम ही अलआत फ़काल जल्मा फ़काल इशरफ तो हज़ूर ने अपने मुबारक पाँव से ज़मीन पर ठोकर लगाई चश्मा फूट पड़ा और ने गरीब चचा पानी पी लीजिए तो वो पाँव अगर जमीन पर लगे तो चश्मे फूटे अगर ओहद पहाड़ पे वो पाँव पड़े तो उसका जलजला जाता रहे और अगर वो किसी जानवर को हुजूर ठोकर लगाएं तो उसके अंदर इस कदर तेजी आ जाए कि उसकी बाग संभाली ना जाए इतना सरी व रफ्तार हो जाए अब उन कदमों पर कौन कुर्बान नहीं होगा यार उन कदमों को चूमने के लिए जबरील भी तो बेताब दिखाई देते हैं ना मेराज की शब जब जबरील हाजिर खिदमत हुए हजूर महवे इस तराहत हैं तो जबरील अर्ज गुजार हुए मालिक तेरा महबूब तो सो रहा है अल्लाह अकबर शान तेरी तुझी को जेबा है जोश लन तरानी कहीं तकाजे के थे एक कोहे तूर पे खुद चल के जाता है और अर्ज गुजार होता रबे आ रे नहीं अंसुर मालिक तुझे देखना चाहता हूं अल्लाह अकबर सरापा चश्म बना हुआ है और कहता है मालिक मैं तुझे देखना चाहता हूँ जवाब क्या आता है लंद तुम नहीं देख सकते मेरे जल्दों की ताब नहीं ला सकते एक खुद चल के जा रहा है और तक रोयत करता है और जवाब आता है लंद और एक सोया हुआ है चादर ओढ़ के और जबरील कहते हैं महबूब उठिए रब आपको बुला रहा है तबार शान तेरी तुझी को जेबा है बेनियाजी कहीं पे जोशे लंद तरानी कहीं तकाजे विसाल के थे तो जबरील हाजिर खिदमत हुए हुजूर इस तराहत में हैं तो आवाज़ आई या कब बिल कदा मैं मेरे महबूब के कदमों को चूम ले अब जबरील हजूर अलैहिस्सलाम के कदमों को बोसे दे रहे हैं किसी ने जबरील से तसवर के आलम में पूछा हुजूर के कदम चूमे हुजूर के तलवों को बोसे दिए बता कैफियत क्या मिली तो बोले न जन्नत ना जन्नत की कलियों में देखा मज़ा जो मोहम्मद की तलीओ में देखा वह सरूर वहाँ जो नसीब हुआ वफद कैस जब मदीनातलमवरा आया तो उनमें एक साहेब मैं वो कहते हैं मैं दौड़ता हुआ हज़ूर के पास आया बस बेचैनी थी तराब था जब आप मदीनातलमवरा में जाते हैं तो आपको जाके गाड़ी उतारती है और आप होटल में सामान रखते हैं तो फिर कितनी जल्दी होती है कि जल्दी से गसल करें और जल्दी से नया लिबास पहने और जाके हरे गुम्बद को देखें हुजूर की मुबारक मस्जिद की ज्यारत करें उन उनचाओ बाज़ार में जाएँ जहां हुजूर के मुबारक क़दम लगे थे अल्लाह अकबर तो अब ये वफ़ते कैस जब आया तो इन में एक सिबी हज़रत ज़रा रदी अल्लाह फ़रमाते हैं कि मैं फिर तेज़ी के साथ गया और फिर हम जा के हाथ भी चूमने लगे हज़ू के कदम भी चूमने लगे ये शदतमंद क़दम जिनके बोसे से हवा देते हैं कभी जबरील के बोसागा बनते हैं कभी ओहद पहाड़ की छाती इन कदमों को चूमती है यही कदम एक मौका ऐसा आता है याद खुदा में अल्लाह के शुक्राने में नमाज में लंबे क्याम में सूद जाते हैं और मेरा मालिक कहता है चादर ओढ़ने वाले सारी रात जागा ना कर कभी सो भी लिया कर अल्लाह अकबर तो ये हुजूर सलाम के मुबारक कदमों का जमाल और मुबारक क़दमों का हुसन और खूबसूरती है अल्लाह ने अपने महबूब सलातो सलाम के मुबारक क़दमों को सोवरी और मानवी हुस्न से नवाजा और ये हुस्न हुजूर के मुबारक क़दमों का है फिर जिसके कदम इतने सोने हैं उसका चेहरा कितना हसी होगा एक सवाल उठ सकता है कि हुजूर के हुसन को बयान करने का मकसूद क्या है तो साहब किसी के हुसन को बयान करने का मकसूद यही होता है कि उससे प्यार और मोहब्बत का रब कायम हो और अगर कायम है तो मज़बूत हो हम हुजूर हजूर हुसन को बयान इसीलिए करते हैं और मुहदसिन ने इस पर बाकायदा किताबें इसीलिए लिखीं और कुत्ब हदीस में बाकायदा शमायरे रसूल पर बाब इसी लिए बांधे ताकि लोगों के सीने में हजूर की मोहब्बत की जोत लगे और वो जो शोलाए जवाला उनके सीने में हब्ब रसूल का है वो और भड़क उठे और बंदा जिससे मोहब्बत करता है फिर उसकी अतात भी करने लग जाता है तो जो महबूब इतना सोना है इतना जमाल आफरी है और जिसके कदम इतने सोने हैं फिर उसके नक्श कदम को क्यों ना थाम ले उसके नकूशे पा को खिजे रा क्यों ना बना लें फिर उनके उठने वाले कदमों पर अपनी ज़िंदगी क्यों निछावर न कर दें अगर सर पे रखने को मिल जाए नक्शे नाले हुजूर तो कहें कि हाँ ताजदार हम भी हैं यानी वो कदम तो कदम रहा उस कदम की रानाइयाँ उसकी खूबसूरतियाँ उसका जमाल और उसका हुसन तो हुसन रहा जहाँ वो मुबारक कदम लगा जहाँ वो नक्श लगा अगर वो नक्श भी सर पे रखने को मिल जाए तो कहा कि अगर सर पे रखने को मिल जाए नक्शे नाले हुजूर हजूर आलाम का कदम तो जज्वे बदने रसूल है हुजूर के मुबारक कदमों में वो जो नालैन थी उस नालैन का भी नक्श वो अगर सर पे रखने को मिल जाए तो हम जमाने के ताजदार कहलाएंगे और जिनके सर पे हुजूर का कदम आ जाए उनका मरतबा क्या होगा तो यहाँ उस नक्श को भी देखिए हजूर के मुबारक कदमों में जो नालैन आया उसको नालैन शरीफ कहते हैं उस नाल को नाल शरीफ या उन नालैन को नालैन शरीफ कहा जाता है इसलिए कि वो हुजूर के मुबारक जिस्म से जुड़ गए हुजूर से उनका रब पैदा हो गया वो जुज्बे बदने रसूल नहीं है तो उसका ये मरतबा है तो फिर हजूर सलाम की शान और हुजूर की अजमत क्या होगी अल्लाह अकबर बल्कि हजूर अल्लाम के नाल जहां रखे जाए वो किसी ने कहा ना जरा उस खाक के ताबिंदा सितारे होंगे जर उस खाक के ताबिंदा सितारे होंगे जिस जगह आपने नालैन उतारे होंगे वो जगह जहां हुजूर के कदम नहीं हुजूर के कदमों से मस हुए हुए नालैन रखे जाएं, वहां जो जर उस नालैन के तलवों को चूमते हैं वो भी आसमान के सितारों से उस शाख को हसीन दिखाई देते हैं वो भी ज़्यादा चमकदार दिखाई देते हैं और उस शाख की आँखों का सुरमा और उनके दिल का करार रूह की ठंडक करार पाते हैं तो ये है हैजूर आसम की नस्बत का एहतराम और हुजूर की मोहब्बत का असर जो उस शाख के सीने में महसूस किया जाता है अल्लाह मुझे आपको अपनी ख़ास पनाहें, अमान और हिफाजतों का हिसाब बख्शे कार माँ आखर शुदो